इंतखाबात का वाकई दौर दौरा है और बुखार जैसे कहते हैं इलेक्शन का चढ़ा हुआ है। ओवरऑल मैं समझता हूँ मुसलमान तमाम तर इस्लामोफोबिया और मुस्लिम बैन की बाजदगश के बावजूद मुसलमान जो हैं वो पॉलिटिकल सिस्टम में पहले से बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, ज़्यादा कैंडिडेट जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इलेक्शन कम्पेन भी मुसलमान ओवरऑल ज़्यादा बड़े पैमाने पर शिरकत कर रहे हैं। अभी मसलन उन्होंने मुस्लिम फॉर बाइडन जो फंड रेजिंग हुई उसमें एक ही दिन $1.4 मिलियन जमा किए मुसलमानों ने, और भी ग्रुप हैं यहाँ पाकिस्तान अमेरिकन पाकिस्तानी ग्रुप हैं जिन्होंने $2.5 लाख जमा किए और वो काम भी कर रहे हैं। लेकिन हम भी बात ये बार बार कह रहे हैं कि भाई जो भी हम तादाद ले लें, मुसलमानों के नंबर पे हमेशा एक बहस है कि वो 1% है आबादी का या 2% है, तो अगर 1% भी हैं जो जो बाइडन ने कहा तो मुसलमान तकरीबन 3 मिलियन से ज़्यादा बनते हैं और उनमें रजिस्टर्ड वोटर जो हैं उनके नंबर मुख्तलिफ होंगे, मैंने फ़र्ज़ कर लें 2 मिलियन के करीब हैं, 1.5 से 2.5 मिलियन के दरमियान होंगे, लेकिन उनकी वैसे तो बहुत बड़ी तादाद है। लेकिन अगर इलेक्शन तकरीबन डिसाइडेड हो तो उनकी माइनॉरिटी वोट्स की कोई बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं होती, लेकिन जब टाइट इलेक्शन हो, बड़ा ही एक ऐसा इलेक्शन जिसमें कांटे का मुकाबला जिसे कहते हैं, तो उसमें माइनॉरिटी वोट की अहमियत बढ़ जाती है। और उसमें इसलिए कि जैसे मिशिगन में पिछली दफ़ा 10,000 वोटों से फैसला हुआ कि ट्रंप साहब जीत गए और वहाँ अरब और अमेरिकन जो हैं, अरब और मुसलमान 5% है वहाँ पर मिशिगन की आबादी का, तो अगर वो सही मानों में एक्टिवली वोट वहाँ डालें तो इलेक्शन पे असरअंदाज हो सकते हैं। लेकिन मैं एक बात और उससे ज़्यादा कहूँगा कि देखें अमेरिका में वोटिंग रेशो है तकरीबन 50-55% के बराबर, तकरीबन आधा अमेरिका जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं वो वोट डालते हैं। अगर माइनॉरिटी वोट मुसलमान मसलन वो अपने किसी भी हलका इंतखाब में सारे के सारे वोट डालें तो उनके वोटों की अहमियत डबल हो जाएगी, क्योंकि वो 100% वोट डालेंगे तो एक वोट 2 के बराबर होगा, चूँकि बाकी अमेरिकन पॉपुलेशन वो आधी के करीब वोट डाल रही है। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ इलेक्शन बड़ा क्रूशल है, मुसलमानों को अहमियत भी मिल रही है, मुसलमानों को इसमें अपना पूरा किरदार अदा करना चाहिए, कंपेन के साथ भी राबता रखना चाहिए, दोनों पार्टीज़ के साथ अगर मुमकिन हो तो राबता रखें, लेकिन अपना किरदार अहमियत के साथ अदा करें तो उनके वोट की डबल अहमियत भी हो जाएगी और सियासी जो एस्टेब्लिशमेंट है डेमोक्रेट पार्टी हो वो भी रिकग्नाइज करेंगे और हमें उम्मीद है कि मुसलमान ज़्यादा अहम किरदार अदा कर सकेंगे अमेरिकन सियासी सिस्टम में।